रुणिच्छा एक्सप्रेस की यात्रा को पूरा करके अब आ चुके हम लोग फुलेरा जंक्शन। यहाँ सुबह सुबह 4 बजे पहुंचे थे और यहाँ पे ट्रेनों का जो काफिला है लगातार लगा हुआ था। ऐसे में आज हम लोग निकलने वाले हैं उदयपुर के लिए, जयपुर उदयपुर इंटरसिटी के साथ। वैसे आप लोगों को बता दूँ, ठंड की सुबह फुलेरा में एक अलग ही एहसास देती है। इन्हीं सब यादों को साथ लेकर के चलिए आज एक नई यात्रा पर निकलते हैं और देखते हैं कैसा रहने वाला है अपना इंटरसिटी का सफर। भाई ये है खूबसूरत सी सुबह फुलेरा जंक्शन की। अभी 6:30 बज रहे हैं। जयपुर मारवाड़ एक्सप्रेस उधर आ रही है, इधर आ रही है अहमदाबाद यानी असरवा से जयपुर की ओर जाने वाली असरवा जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ट्रेनों का सिलसिला जो है ना स्टेशन में लगातार बना ही रहता है फुलेरा जंक्शन में। आप लोगों को मैं बता दूं कि एक ज़माने में मिड रेंज का बहुत ही बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन था और साथ साथ आप कह सकते हो यहाँ पे लोकोमोटिव शेड भी था, डीजल लोकोमोटिव शेड फुलेरा। ट्रेन चलती थी जयपुर से पूरा हैदराबाद तक फुलेरा होते हुए। मीटर गेज की ट्रेन है जिसमें एसी के कोच भी लगते थे, स्लीपर भी लगते थे, स्टीम इंजन के साथ भी यहाँ से ट्रेन चलती थी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो फुलेरा जंक्शन को एक खास रेलवे स्टेशन बनाती है। आज की जयपुर मारवाड़ एक्सप्रेस स्पेशल, पर इसे आप पैसेंजर ट्रेन भी कह सकते हो। शायद 1:30 बजे तक ये पहुँच जाती है मारवाड़ के लिए। 70491 इसमें लोकोमोटिव लगा हुआ था। काफ़ी साफ सुथरी लग रही है यार ये, और भीड़ भी बिल्कुल नहीं है इसमें। अजमेर जाने के लिए तो काफ़ी बढ़िया ट्रेन रहेगी आपके लिए। और हमारे जो उदयपुर वाली इंटरसिटी उसका रूट भी वही है, अजमेर भिलवाड़ा चित्तौड़गढ़ होते हुए उदयपुर सिटी दोपहर 1:30 बजे तक, और वो आ जाएगी 7 बजे तक, लगभग आधा घंटे में वो भी आ जाएगी। ये आज की है यहाँ पे जयपुर असरवा सुपरफास्ट। वैसे असरवा से जयपुर जा रही है वैसे फिलहाल ये। यहाँ पे आज की है जयपुर जोधपुर हाईकोर्ट एक्सप्रेस, इंटरसिटी है ये सुबह वाली। काफ़ी खाली रहती है वैसे, आपको सीट वगैरह इसमें बड़े ही मज़े से मिल जाएगी। इसमें 3 AC 3 Tier के कोचेज और 3 AC 4 Car के कोच दिए गए हैं। सूर्योदय जो है वो होना शुरू हो चुका है। अभी सुबह 7 बजे हाई राइज पेंटोग्राफ के साथ आज की है उदयपुर इंटरसिटी। यहाँ पे आप देख लो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आती है फुलेरा के, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और किसी प्लेटफॉर्म में मत चले जाना। और एक बार जो अनाउंसमेंट होती है उससे सुन भी लेना, मोस्टली 4 पे ही आती है, बाई चांस कभी बदल गया तो अलग बात है। इस इंटरसिटी में आपको मिल जाएंगे जनरल के कोचेस, चेयर कार का कोच और एसी 3 Tier का कोच, और साथ साथ स्पेशल इंटरसिटी है इसलिए इसमें अब स्लीपर के कोचेस भी इसमें लगाए जाते हैं। यही इंटरसिटी उदयपुर असरवा बन के भी जाएगी आगे। सूर्योदय भी हो गया हमारे फुलेरा जंक्शन से निकलते निकलते। यार जो मौसम है ना बहुत कमाल का हो रखा है, ठंडा ठंडा साल का एकदम। यहाँ पे अजमेर आगरा फोर्ट पहुंच रही है अभी फुलेरा जंक्शन पे। ये अच्छा किया इंडियन रेलवेज ने कि सेकंड सीटिंग और एसी चेयर कार के साथ 3 Tier के कोच भी देने लगे, क्योंकि ये जो ट्रेनें हैं ना ये सुबह सुबह की ट्रेनें होती हैं और इसमें लोग एकदम जैसे हमारे जैसे लोग तो देखो 3:30 बजे से आज जाग ही रहे हैं, हमें भी भयंकर नींद आ रही है। ऐसे कई लोग घर से भी एकदम अर्ली मॉर्निंग उठ के आते हैं तो सिटिंग में हो नहीं पाता है। तो ये जो 3 Tier 2 Tier के कोच रेलवेज ने लगाना शुरू किया ना, बहुत सही कॉन्सेप्ट है, लोग एटलीस्ट अपनी नींद पूरी करने का मौका मिल पाता है। तो यही है जोधपुर वाली लाइन जिससे अपनी रुणिच्छा एक्सप्रेस आई थी, और हम लोग अजमेर वाली लाइन पे बढ़ते हुए वही सोचा मैंने आपको लाइन दिखा दूँ, और इसीलिए हम लोगों ने ट्रेन फुलेरा जंक्शन से बदली है।
यहाँ पे आप हाई राइज पेंटोग्राफ देख लो, कितना ऊपर उठा हुआ है। सभी लोग यहाँ पर मतलब सोने के लिए ही आते हैं सेंट्रल सिटी के, सी थ्री टीयर में करा के टिकट। गाड़ी सुबह जयपुर से चलती है, सब अपने अपने सोने की व्यवस्था में रहते हैं। बाकी संदीप भाई का यहाँ पे काम शुरू हो गया, एडिटिंग वगैरह चालू, और उधर डबल स्टैक्स कंटेनर वाली मालगाड़ी आप देख सकते हो। फुलेर से निकलते जो डी एफ सी हमसे मर्ज हो जाता है, फुलेर से निकलते ही डी एफ सी एकदम बगल में ही आ जाता है। इंटीरियर काफ़ी साफ सुथरा है ट्रेन का, क्यों सनी भाई? बहुत गाड़ी तो साफ सुथरा। देखो सनी भाई स्पेशल वीडियो एडिट कर रहे हैं अपना मोटो वाला। यहाँ पे मैं और श्रेयांश तो मस्ती के मूड में हैं, तो हम लोगों ने ट्रेन का खाना भी ले ही लिया है। पेंट्री से आया था, साइड पेंट्री एक्चुअली, 50-50 रुपए के कटलेट, 50 का पोहा। एंड टेस्ट का रिव्यू तो बनता है, ये लो भाई कटलेट और ये होगा पोहा। तो सैनिटाइज़र, प्यारा सा सैनिटाइज़र आज हम आजकल हमारे साथ चलता है बैग में, और काम भी आ जाता है अक्सर। और भाई ट्रेन का कटलेट तो हम लोगों ने जोश जोश में ले लिया था, पर ये कुछ ज़्यादा ही ऑयली और गीला सा लग रहा है, मतलब क्रंची तो भूल जाओ, आलू की टिक्की लग रही है बस। ये ब्रेड से थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं, तो सब्जी रोटी की तरह खाना पड़ रहा है। स्वाद बढ़िया है, क्रंची नहीं है भाई। पोहा कैसा है? एवरेज पोहा। काम चलाओ सब, ब्रेकफास्ट अगर आप जयपुर से चल रहे हो तो फिर वहीं से लेकर के चलना, वरना मेरे को तो पोहा अच्छा लग रहा है। श्रेयांश एमपी से, तो उसको एकदम हाई लेवल पोहा खाने की आदत है, नेक्स्ट लेवल का खा गए। बाकी हम लोग के लिए तो ये पोहा बहुत अच्छा है, और ट्रेन जर्नी में आपके काम आएगा। अगर आप ट्रेन में ट्रैवल करें तो आप इसे ज़रूर खा सकते हैं। फिर भी प्रेफर कर सकते हैं कटलेट के ऊपर। देखो टेस्ट तो करो, कटलेट ऑयली सा है। देखो हमारे तरफ से रिकमेंडेशन थी कुछ, इसे फिनिश करते हैं, आपसे आने वाले स्टेशन में मुलाकात करते हैं, और नींद आ गई तो सो जाएंगे क्योंकि रात भर जागे भी थे। यहाँ पे पहुँच गए हम लोग किशनगढ़, जिसे मार्बल सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे हमारी ट्रेन 2 ही मिनट के लिए रुकने वाली है, और बगल में डीएफसी भी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस ट्रेन में आपको एसी चेयर कार, साथ में एसी थ्री टीयर स्लीपर के कोचेस भी मिल जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी जर्नी के दौरान, और जनरल के कोच भी इसमें सफिशेंट दिए गए हैं। सुबह 8:12 पर अपनी ट्रेन अजमेर जंक्शन पहुंच रही है। अच्छी खासी भीड़ इस ट्रेन का इंतजार कर रही है अजमेर जंक्शन पर, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अपनी गाड़ी आई है। आठ दस का अराइवल टाइम था, थोड़ा आगे पीछे अपनी गाड़ी पहुंच गई है, 5 मिनट का हॉल्ट टाइम होने वाला है अजमेर में।
वैसे ज़्यादा कवरेज इसलिए नहीं कर रहा हूँ ना, क्योंकि हर मतलब मैं बताऊँ आपको, जब भी मैं उदयपुर आता हूँ तो जयपुर इंटरसिटी में तो ट्रैवल हो ही जाता है, और साल में कम से कम 10-12 बार आता हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में इसका मैं रिव्यू नहीं कर रहा हूँ। आप लोग भी समझते होंगे, जो लोग चैनल पर इतने दिनों से जुड़े आपको पता ही होगा सत्य भाई का फेवरेट सिटी उदयपुर है, आते जाते रहते हैं। तो वैसे मैं बता दूँ अजमेर में आपको, अजमेर के पास में, वैसे आपको बता दूँ अजमेर के पास में पुष्कर है, जहाँ पे आपको विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर मिल जाएगा, वहाँ आपको ज़रूर ही विजिट करना चाहिए, और ठंड के मौसम में तो जगह बहुत ही सुंदर हो जाती है। साथ साथ अजमेर में दरगाह शरीफ भी है, वहाँ भी अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पे विजिट कर सकते हो। घूमने फिरने के हिसाब से काफ़ी अच्छी जगह है पुष्कर में आपको, बाकी ऊँट वगैरह का मेला भी लगता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये सीज़न है, मज़ा बहुत आएगा। कभी आपके पास मौका है तो ज़रूर करिएगा ट्राई, और यहाँ पर आपको खाने पीने के लिए कचौड़ी, समोसा, स्नैक्स आइटम सभी कुछ मिल जाएगा। अजमेर के हलवे के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, अजमेर का सोहन हलवा काफ़ी फेमस होता है, और साथ ही साथ आपको मिलेगा यहाँ पे एक खाने की स्वीट, उसे क्या बोलते हैं, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, थोड़ा घेवर जैसा दिखता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना वो कौन सा होता है। और प्लेटफॉर्म में आपको मिल जाएगा कढ़ी कचौड़ी, समोसा कचौड़ी, यहाँ पे चटनी की बजाय कढ़ी ज़्यादा प्रेफर की जाती है भाई, राजस्थान में मोस्टली यही सब चलता है। हमारी ट्रेन का जो रूट है ना, वो भिलवाड़ा होकर चंदेरिया जाएगी, ये चित्तौड़गढ़ जंक्शन नहीं जाएगी, चंदेरिया बाईपास से निकल जाएगी, और उसके बाद हमारी ट्रेन कपासन होते हुए मावली के रास्ते पहुँचाएगी हमको उदयपुर 1:10 के आसपास तक। तो जो जो चीज़ें अच्छी लगेंगी वो कवर करेंगे, और आपको ऐसे ये थोड़ा सा मस्ती भरा व्लॉग दोस्तों के साथ में देखने को मिलेगा। स्टेशन में आपको खाने पीने की सभी चीज़ें मिल जाएंगी, समोसे कचौड़ी सब कुछ, जो स्टॉल्स है ना छोटे छोटे पूरे ही स्टेशन में आपको मिल जाएंगे, तो खाने की तो कोई दिक्कत आपको इस रूट में होगी नहीं, ये चीज़ तो ले लो। लेकिन आप पानी वगैरह मैं कहूँगा कि अपने साथ कैरी करो, जितना ज़्यादा उतना अच्छा है, कोच अगर थोड़ा आगे पीछे हुआ तो शायद हो सकता है कि आपको इस रूट में थोड़ी बहुत दिक्कत मिले, तो पानी तो ज़रूरी कैरी कर लेना, बाकी खाना पीना आपको इस रूट में मिल ही जाएगा आसानी से। 8:13 पे आए थे और 8:28 पे निकल रहे हैं, लगभग 15 मिनट ट्रेन यहाँ पे हमारी रुक चुकी है अजमेर जंक्शन पे। अजमेर पुष्कर पैसेंजर देखो 9:30 दिखा रही है, और अजमेर सोलापुर स्पेशल भी एक ट्रेन दिखा रही है 9 बजे। बहुत सारी ट्रेन है यहाँ से आज। अभी आप लोग पूछेंगे अजमेर को जंक्शन क्यों कह रहा हूँ सत्य भाई, तो आप लोग को बता दूँ अजमेर के बगल में ही है मदार, मदार स्टेशन, वहाँ से पुष्कर की लाइन गई है, और अभी हम लोग जब आगे बढ़ेंगे ना तो मारवाड़ वाली लाइन जो कि आगे आबू रोड होते हुए महसाला के रास्ते अहमदाबाद जाती है, वो लाइन अलग हो जाती है, और हम लोग यहीं से बढ़ जाएंगे भिलवाड़ा वाली लाइन पर जो कि आगे चित्तौड़गढ़, रतलाम एंड बाकी उदयपुर वाले रूट पर निकलती है, जो कि आगे अहमदाबाद की ओर भी जाता है। बाकी अभी अपनी इंटरसिटी आई है नसीराबाद में, मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ के कचौड़ी नहीं, यहाँ कचौड़ा मिलता है भाई, साइज़ देखो आप, एक हाथ भर का इसका साइज़ होता है। नसीराबाद से जो लोग भाई कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना ज़रूर, स्टेशन बहुत ही खूबसूरत, जो लोग नसीराबाद से कमेंट सेक्शन लिख करके बताना ज़रूर, स्टेशन तो बहुत ही खूबसूरत बना है, छोटा सा प्यारा सा, आराम से इस चेयर में बैठ जाओ और आप नज़ारे वगैरह इन्जॉय कर सकते हो, ट्रेन की स्पॉटिंग देख सकते हो खूबसूरत से स्टेशन में, और यहाँ की कचौड़ियाँ
ट्राई ज़रूर करना और बताना ज़रूर कैसा लगा। हमने तो बहुत बार खाई है और सुबह सुबह ट्रेन का नाश्ता हो ही गया तो ऑयली खाने का कुछ ज़्यादा खास मन कर नहीं रहा। वैसे ऐसी टाइम पास के लिए बस आ गया मैं बाहर, वैसे अंदर बैठा हुआ था। अच्छा स्टेशन लगता है देखो, पूरा मतलब पेड़ वगैरह से घिरा हुआ, इसका जो एम्बियंस है ना वो ज़्यादा मस्त है यार। ये वाले जो फूल है वो बहुत प्यारे लगते हैं मेरे को, रात के समय तो इनकी तगड़ी स्मेल आती है। बाकी स्टेशन ऐसा लगता है जैसे मतलब बहुत छोटा सा कोई शहर हो, बट शहर तो बहुत अच्छा है। स्टेशन तो मतलब बहुत ज़्यादा छोटा सा लग रहा है पर सुविधाएं हैं यहाँ पर एटलीस्ट, ये चीज़ मुझे देखकर काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे देख लो आप लोग अपनी इंटरसिटी पहुँच चुके भिलवाड़ा रेलवे स्टेशन में, तो जो लोग भाई भिलवाड़ा से हो कमेंट सेक्शन लिख करके बताना ज़रूर। एक चीज़ यार काफ़ी ख़राब सी लगी, यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए कोई भी व्यवस्था यहाँ पे यात्रियों के लिए नहीं की गई है, स्टॉल्स वगैरह भी नहीं है प्लेटफॉर्म में और ना तो छत है। मैं तो ये कहूँगा थोड़े से हिस्से में है, बाकी कुछ नहीं है। स्टॉल्स वगैरह भी एकदम आगे जा करके मुझे तो यहाँ पर कोई भी स्टॉल नहीं दिख रहा, चाहे पानी का हो चाहे खाने का हो, इतनी बड़ी जगह है इसके बाद भी। और वैसे आप लोगों को मैं बता दूं, वंदे भारत एक्सप्रेस आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, जो कि चलती है उदयपुर से जयपुर के लिए। उसकी कवरेज भी मैंने आपको दिखाई थी जयपुर से उदयपुर तक, आप लोगों ने देखी होगी। और एक अपने दूसरे चैनल सत्यम स्वर में जहां मैं ट्रैवल व्लॉग्स डालता हूं, सिटीज़ का टूर वगैरह, वहाँ पर मैंने एक छोटी सी जर्नी उसमें चित्तौड़गढ़ तक भी की थी। ब्रेकफास्ट वगैरह गाड़ी का काफ़ी तगड़ा है। चलिए वंदे भारत आपको दिखा देते हैं यहाँ के। अगर आपको समय बचाना है और आपको बिना धूल वगैरह लगाए कंफर्टेबली जाना है तो आपके लिए वंदे भारत है, वरना अगर आपको हमारी तरह एंजॉय करते हुए जाना है जहाँ दरवाजे खुल रहे हैं, मौसम एंजॉय कर रहे हो, उतर सकते हो जब मन है, तो भाई आपको वंदे भारत में मज़ा नहीं आएगा। क्यों सर, तुम्हें जाना है वंदे भारत में? नहीं, मैं नहीं करूँगा। मेरे को भी नहीं पसंद है, मेरे को 3AC ज़्यादा पसंद है, इसका डायनमिक किराया देकर के ज़्यादा पसंद है कम्पेयर टू वंदे भारत एक्सप्रेस। हाँ पर तेज़ गाड़ी है ये मानूंगा, कई रूटों में इसकी टाइमिंग बहुत कम दी गई है। भिलवाड़ा से भी अच्छे खासे हॉल्ट के बाद निकल गए, सिंगल लाइन रूट है इसलिए वंदे भारत की क्रॉसिंग लिए से रोके हुए थे अभी तक। जो लोग भिलवाड़ा से और कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना जरूर। गाड़ी के वॉशरूम वगैरह की बात करूँ तो एकदम साफ़ सुथरा है, ये चीज़ तो मैं कहूँगा कि लोगों ने साफ़ सुथरा रखा है इनको, अंदर का नहीं दिखा सकते लेकिन यहाँ तक बाकी बढ़िया है काफ़ी। लेकिन अभी हमारी गंगरा रेलवे स्टेशन में रुकी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिंगल लाइन रूट का रेलवे स्टेशन है, पर यार ये देख करके बहुत बुरा लगा। तब से वेट कर रहा था रणथंबोर एक्सप्रेस की क्रॉसिंग लेने के लिए और उसमें WAG 7 लोकोमोटिव लगा के रखा हुआ है। इंदौर से जोधपुर के लिए जाती है, अजमेर से रिवर्सल लेके मारवाड़ लूनी के रास्ते फिर जाएगी जोधपुर, शाम तक पहुंच जाएगी आज जोधपुर। हम लोग भी जोधपुर से आ रहे हैं रात 12 बजे तक जोधपुर मित्र रोनीची एक्सप्रेस से। ट्रेन में केवल आपको स्लीपर है, वैसे थ्री टायर का ही ऑप्शन मिलेगा। एक्सप्रेस ट्रेनों की कुछ तो इज्जत रखनी चाहिए, मतलब रिजर्व करती है WAG 7 या एटलीस्ट WAG 4 तो होना ही चाहिए। उसमें हमारा
जाकर के एक लाइन जो है मर्ज हो जाती है और हम लोग यहाँ पे अभी चंदेरिया बाईपास पहुँचने वाले हैं। छोटा वाला लाइन जो है ना वो बाजू वाली लाइन है, वो अभी आके मर्ज हो चुकी है। अभी हम मेवाड़ एक्सप्रेस कोटा वाली लाइन से जाती है दोस्तों। चंदेरिया को ना एक बाईपास रेलवे स्टेशन के जैसे ट्रीट किया जाता है, जिन ट्रेनों को चित्तौड़गढ़ जंक्शन तक नहीं ले जाना। चंदेरिया जो एक बाईपास स्टेशन की तरह ट्रीट किया जाता है, जिन ट्रेनों को चित्तौड़गढ़ जंक्शन ले जाकर रिवर्सल वगैरह नहीं करवाना होता है ताकि टाइम बचे, उनको यहाँ तक लाया जाता है। वैसे मैं आप लोग को बता दूँ, चित्तौड़गढ़ जंक्शन के ऊपर और वहाँ पे जो फोर्ट है, इन सभी को मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है जिसमें चित्तौड़गढ़ में हम लोग रुके थे, फोर्ट वगैरह घूमने गए थे, खाने पीने की सभी चीज़ें हैं उस वीडियो में। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चित्तौड़गढ़ के ब्लॉग को जरूर इन्जॉय कर सकते हैं। मैंने एक लाइफस्टाइल ब्लॉग ट्राई किया था वहाँ पे मेरे दूसरे चैनल सत्य हम सफर के लिए, तो उसे आप ज़रूर देखना, मज़ा आएगा। उसमें पूरा डिटेल में मिलेगा, ऑटो से लेकर सभी चीज़ की रिकमेंडेशन भी है, फोर्ट में कहाँ घूमना है, क्या देखना है, खाना पीना सभी चीज़ उसमें आपको मिलेंगी। बाकी जिनको आप अगर चित्तौड़गढ़ उतरना है तो भाई चंदेरिया उतर जाना, ये गाड़ी चित्तौड़गढ़ जंक्शन नहीं जाती, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। खाने के नाम पे कुछ यही व्यवस्था आपको यहाँ पे मिलेगी चंदेरिया में, और साथ साथ खाने पीने के स्टॉल है जहाँ पे कुछ मिर्ची बड़े समोसे ये सभी चीज़ें मिल रहे हैं। काफ़ी ऑयली आइटम यहाँ पे अभी मिल रहा है, सुबह सुबह पोहे वगैरह तो नहीं देखने को मिले, हाँ चलो पोहा भी देखने को मिल गया यहाँ पे एक बंदे के पास। चित्तौड़गढ़ जंक्शन में गाड़ी रहती है तो खमन वगैरह भी मिल जाते हैं, तो काफ़ी सही रहता है। बाकी चंदेरिया से निकलने के बाद मेरी मुलाकात अब आपसे सीधा मावली जंक्शन में होगी। थोड़ी सी थकान हो रही है, आधे घंटे 40 मिनट का तो रेस्ट मेरी बॉडी को भी चाहिए, थोड़ा रेस्ट करते हैं क्योंकि लगभग 12:30 तक आएगा मावली और 1:30 बजे तक तो गाड़ी भी अपनी पहुँच जाएगी उदयपुर। में बहुत सारी फैक्ट्रीज एंड प्लांट्स भी देखने को मिले हैं यार, जो लोग यहाँ से हो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ किस चीज़ के लिए फेमस है। मुझे तब तक यही पता था कि चित्तौड़गढ़ अपने सीताफल के लिए फेमस है, क्योंकि जब मैं फोर्ट गया था तो पर 80% जो पौधे हैं जो प्लांट हैं वो सीताफल के थे, यानी कस्टर्ड एप्पल के, मेरा तो फेवरेट फ्रूट में से एक है, तो मेरा तो मन कर रहा था वापस जाऊँ ठंडियों में, इसलिए मैं आ भी गया ठंडियों में यहाँ तक। सामने जो लाइन जा रही है ना यही जा रही है चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन और वही आगे चल जाएगी रतलाम वगैरह वाले रूट में। जो लाइन यहाँ पे अलग हो रही है यही जा रही है अभी चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन और आगे यही रतलाम और बाकी रूट्स से निकल जाएगी। हम लोग बढ़ गए हैं भाई उदयपुर वाली लाइन पे।
1:30 का अरावल टाइम था और यहाँ पे हमारी ट्रेन उदयपुर पहुँच रही है दोपहर के 2 बजे, आधे घंटे का डिले हो गया। देवारी पे ट्रेन को रोका गया था और क्रॉसिंग के लिए वो भी आधे घंटे ज़्यादा रुकी रही थी। हम सफ़र क्रॉस हुई थी उदयपुर पाटलिपुत्र वाली काफ़ी देर बाद। उदयपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आज हमारा अराइवल हो रहा है। गाड़ी लास्ट स्टेशन में आ रही है तो भाई आप लोग ऐसे जल्दीबाजी में ना उतरें, आराम से अपना समय लेकर के जब गाड़ी रुक जाए फिर उतरना। 5 मिनट बचा कर क्या हो जाएगा, अगर सुरक्षा जो यात्री है क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है, यानी हम लोग चलती गाड़ी में उतरना बिल्कुल ठीक नहीं है। फाइनली पहुँच गए उदयपुर सिटी और ये सफ़र काफ़ी लंबा था। प्रशांत भाई भी हमारे साथ हैं, संदीप भाई हैं, स्वाति, हम लोगों ने साथ में सफ़र को पूरा किया। कैसी थी जर्नी भाई यहाँ आते आते? यहाँ आते बस सो के हम लोग आए, राणा प्रताप नगर में उठे, उसके बाद अच्छा पहुँचने वाले हैं बस। काफ़ी थक गए थे क्योंकि 3 दिन से लगातार हम लोग कारवां रिजॉर्ट में रुके हुए थे और वहाँ पर मस्ती कर रहे थे, फन एक्टिविटीज़ और डेजर्ट सफारी और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने की एक्टिविटीज़। पूरे थके हारे आए थे, कल वाली ट्रेन में रिकॉर्डिंग हुई रुनिशा एक्सप्रेस में, सुबह 4 बजे फुलेरा उतरे, उसके बाद ये सभी जो आप देख रहे हो पूरी जर्नी उसके बाद की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। इंटरसिटी यार काफ़ी फेमस है, अप एंड डाउन दोनों डायरेक्शन में 2-2 ट्रेन आपको डेली मिल जाएंगी, साथ में वंदे भारत भी अभी कॉम्प्लीमेंट्री है, तो 3-3 ट्रेनें हो गई हैं। पर मज़ा आपको जरूर आएगा कभी अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो। लेकिन ये वाली इंटरसिटी थोड़ी स्पेशल है, इसका किराया आपको नॉर्मल ट्रेन से ज़्यादा पड़ेगा। इसमें आपको 1000 रुपये केवल, कम से कम फुलेरा से उदयपुर के आपको 1000 रुपये तो पे करने पड़ेंगे। ये एक नॉर्मल ट्रेन होती है तो 660 रुपये में आपका काम हो जाता। इसे चेयर कार का किराया 660 है, आप समझो आप 300-350 रुपये इसमें एक्स्ट्रा लिए जाते हैं। इस जर्नी को इंपेंड करते हैं, मिलेंगे आप लोगों से और बहुत सारी ट्रेन जर्नीज में और ऐसी बहुत सारी जगहों का रिव्यू करते रहेंगे और खाने पीने का एक्सपीरियंस आप लोग से मैं शेयर करता रहूँगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।